यार आजकल ना लोगों को अपने काम से ज्यादा औरों के काम में घुसने की पड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास शायद काम ही नहीं है। तो शीना दी, आप मुझे ये बात बताओ, इतनी क्या कंट्रोवर्सी में घुस गए हो आप जबरदस्ती? आप चाह के नहीं घुसे हो, क्यों लोग आपको घसीट रहे हैं कंट्रोवर्सी में? इतने तो बॉलीवुड वालों की कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है जितनी आपकी बना दी, क्यों हो रही है यार? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सुबह उठना हो, जाके अपने अकेडमी संभालनी हो, पढ़ाना हो, खुद से हर काम करना हो, तो आपके पास थोड़ा कम टाइम बचेगा। तो आजकल लोगों ने उड़ता तीर लेने की एक तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, दूसरा सबको पता है कि शीना कौर से कंट्रोवर्सी करेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होना है। और आई हैव नो सच रीजंस कि आई एम नॉट इवन इन दैट पर्टिकुलर सर्कल। मेरा कोई बहुत रिश्ता नहीं है, ना कोई जज्बाती रिश्ता है, ना कोई मेरा हाय हेलो मैम कैसे हो ये सीन भी नहीं है। सो कॉन्ट्रोवर्सी मुझे ऐसे घुमा के खींचा जाता है, एंड आई ट्राई टू इग्नोर स्टफ। अब देखो, अगर ऐसे बोले कि मैम मुझे आपके काम से काम चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा ना, भीख मांग ली। तो अभी ये डिजिटल भीख मांगना हो जाता है कि अगर मुझे तेरे फॉलोअर्स चाहिए, तेरी ऑडियंस की अटेंशन चाहिए, तो तेरे बारे में कुछ बुरा बोल दूंगी, अच्छा बोलूंगी तो तेरे को फायदा हो जाएगा, बुरा बोलूंगी तो तू घसीटने में तो आएगी ना। तो पहले मैं अपने चिट्टे कपड़े पाके निकलती थी, सोचते चलो दाग तो लगेगा नहीं। अब आजकल मैंने कपड़े काले पहनने शुरू कर दिए, रोज में काले कपड़े पहने गए हैं। हाँ, कट्टर विरोधी बन चुके। कट्टर विरोधी तो रिश्ता रहा होगा आपका ऐसा कि ये उनको नौबत आ गई है ऐसी, इतना क्या लगाव है उनका आपसे, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली आजकल लोगों ने कसमें खाई है कि हमें पर्दाफाश तो करना है, पर कोई रिसर्च नहीं करनी वाले। किस चीज का पर्दाफाश करेंगे? कि शीना कौर पैर छूती थी, मेरे पैर छूती थी। गुरुओं के तो पैर छूने चाहिए ही, ये तो संस्कार माँ बाप देते ही है, पर उनको ये गलत फहमी क्यों हो रही है ऐसी लोगों को कि ये बहुत छोटी बात हो गई कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई कर दिया। चार बच्चे नहीं थे उनके पास, मैं बताऊँ रियलिटी, चार बच्चे नहीं थे। उन चार बच्चों ने में से भी अमीरों को अलग ट्रीटमेंट, गरीबों को अलग ट्रीटमेंट। अमीरों के बच्चों से पूछा जा रहा है, ओह माय गॉड आई एम ऑब्सेस्ड, लुक एट योर वेस्ट लाइन, वाओ इतना बड़ी पतली हो, मुझे बड़ी जेलस हो रही है। मेकअप सीखने लोग जाते हैं या वेस्ट लाइन का मेजरमेंट देने जाते हैं? मैं वहाँ पे खड़ी होके मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो लिटरली सलवार सूट में खड़ी है, वो देख रही है दो छुट्टी बना के कि यार ये मुझे इतनी टेंशन क्यों नहीं मिल रही है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वैनिटी इतनी सी है, अगलों की इतनी बड़ी वैनिटी है। वैनिटी थी नहीं ना आपके पास स्टार्टिंग में? कुछ भी नहीं था, मैं तो खाली हाथ आई थी। एकेडमीज में एडमिशन मिलता नहीं अगर आपके पास वैनिटीज ना हो, और ना वो बनवा के देते हैं। हाँ, आपको पहले बोला जाएगा आप एडमिशन ले लो, एडमिशन लेने के बाद में आपको रिसेप्शन से वापस भेज दिया जाएगा। फीस लेने से पहले नहीं बताया जा रहा है कि वैनिटी भी इसमें एक्सक्लूडेड है। फीस लेने के बाद जब मैं बोल रही हूँ कैन आई ज्वाइन नाउ, तो शी सेड पर वैनिटी नहीं आपके पास, जब तक वैनिटी नहीं होगी आप नहीं आ सकते हो। तो वो पहला मेरा एक हार्ट ब्रेक था कि यार आप ये तो पहले मेंशन करो कि आपको वैनिटी नहीं मिलेगी। और मैम आई टेल यू वन थिंग, आज के टाइम में इस बात को 10 साल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 8-7 साल तो हो चुके हैं, आज भी मैं अपने बच्चों की वैनिटी 35-40 हज़ार में बनवा के फुल फ्लेज देती हूँ। हमने खुद देखा है, हम खुद करवाते हैं। और उस टाइम पे मुझे लिस्ट दी गई थी कि आप ये सामान लो, मैक हुडा नहीं मैक मेकअप स्टूडियो क्रायलोन ये वो रेवलॉन फलान निमकान, इट वॉज कम्प्लीट 1 लाख प्लस की वैनिटी, और आपको कहीं नहीं लेनी, आपको जाना है रजौरी गार्डन जनक स्टोर। तो हमें वहाँ भेजा जाता था, हम वहाँ पे वैनिटी बनवाते थे, तो हमें ऐसा होता था कि यार कि मतलब कैसे पॉसिबल है कि अगर आपके पास मेकअप स्टूडियो नहीं है तो आपका मेकअप ही नहीं हो सकता। तो मैंने हाथ जोड़े, मैम मेरे पास नहीं है पैसा, आप मुझे कम से कम में बता दो। तो ऐसा ट्रीटमेंट जैसे मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया, आई टेल यू मैं आज चाहे करोड़पति बन जाऊँ, पर वो जो एक गरीबी में आटा गीला वाली बात थी ना मेरी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और टीचर को आप एक बच्चा, एक मिडिल क्लास बच्चा जब अपने पेरेंट्स उसको छोड़ने जाएंगे ना, तो वो मिडिल क्लास पेरेंट यही बोलेगा कि मैम मैं आपको 1-2 लाख वो दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान रखना। इससे ज़्यादा ना बच्चा एडमिशन जब स्कूल में लेता है ना, तब बच्चा मामा बोल के आता है। और वैसे भी मैम को उतनी बातें याद है जितनी फर्स्ट डे हो गई थी, कई उनको कोई डेमो याद नहीं है। कोई डेमो कितने हुए? मैम एक भी डेमो नहीं हुआ था। मैं बता रही हूँ, आई टेल यू वन थिंग, हमारी अकेडमी में मैडम सिर्फ फर्स्ट डे आई थी, और मुझे पहला एक्सपीरियंस याद है, शी वॉज वेयरिंग सच लेपर्ड प्रिंट का शर्ट। तो इतनी बड़ी अकेडमी, इतने नामी अकेडमी, लाखों की फीस आप ले रहे हो, लेकिन आपके पास एक बिठाने के लिए स्टूडेंट चेयर नहीं है। आप सैलून वाले चेयर पे बच्चे को बिठा रहे हो, विच इज़ फाइन, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आप एक टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते हो,
कि जहाँ बच्चा आराम से बैठ के टीवी देख सके, ये तो मिनिमम होता है ना सब कुछ। आज उनकी आधी से आधी फीस मेरी है तो बच्चों को टीवी दिखता है, बच्चा बैठता है। मैं लाख डेढ़ लाख फीस दे के इतने अरेंजमेंट करने के बाद में व्हाट डू आई गेट, कि मैं यहाँ बैठी हूँ एक लोकल नुक्कड़ पार्लर की तरह, आप बैठे हो, दिस इज़ द मिरर पार्ट, दिस इज़ द मिरर पार्ट, यहाँ मॉडल बैठी है, मैडम खड़ी है, बच्चे लाइन से खड़े हैं, चार ही बच्चे थे उनके पास उस टाइम, चार बच्चे खड़े हैं। अब टास्क है आपका, आप बनो अर्जुन कि आप सीधा निशाना डालोगे शीशे में सामने और फिर आप देखोगे। एंड आई रिमेम्बर गलती से मेरा मतलब हाथ लग गया कि मुझे देख ही नहीं आता कुछ। शी सेड कांट यू जस्ट स्टैंड प्रॉपरली, अभी आँख में लग जाती है उसको। और मैं ऐसे हो गई थी कि यार मुझे डांट के दिया, मतलब मुझे सच में नहीं दिख रहा। वो एंटायर फर्स्ट क्लास में यूँ ही गया था क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं। और इतनी ज़्यादा गंदा ऑरा कि आप उनको बोल भी नहीं सकते हो कि मैम मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन नॉट, आपको अलाउड ही नहीं। मेरी आँख खुली कोर्स के आधा होने के बाद कि यार ये मेरी फ्रेंड पिया है जो ये मैम से व्हाट्सएप पे कैसे बात कर रही है। तो उसने बोला शोशीना मैं तुम किसको काम दिखाती हो। मैं कहा मुझे तो ये प्रोसेस बताया ही नहीं क्या कि हम दिखा सकते हैं। तो कह रही है मुझे, उसने बोला नहीं यार डूब चुकी है, अगर तेरे को समझ में आ रहा है तो। मैं कहा पिया तू दुबई चली जाएगी, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं क्या करूँ। उस बंदी ने क्लासे लेना बंद कर दिया, इतना बुरा हाल था वहाँ का। वो ऐसे मेरे स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं चैट के, जैसे कि ओ मैं उसको रिवील कर दूंगा, पर्दा फाश कर दूंगा। और उन चैट्स में क्या है, मैम कल क्लास से कल आप आओगे ना, आप संडे को आओगे ना, मैम परसों आप आ जाओगे ना। अरे डे वन से आज तक यही दुखड़ा है मेरा कि आप आओगे ना, ये कंफर्मेशन नहीं है कि टीचर आ रहा है पढ़ाने या नहीं आ रहा है। मैं 11 बजे का टाइम था तो मैं 10:30 पहुँच जाती थी। मैं अपनी आँखों से देखती थी कि 10:30 बजे एक बंदा स्वीपर वहाँ का झाड़ू पोछा कर रहा है और ठीक 2 बजे वही बंदा मुझे हेयर सिखा रहा है। मतलब स्वीपर और हेयर कोई फर्क ही नहीं है, मेंटोर में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें एक ही सैलरी में आप 2 काम करवा रहे हो। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड। और मैं ये सोच रही हूँ कि शायद अगर एक ऑनर वहाँ होगा ना, उसको महसूस होगी कि मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। पर गड़बड़ तो बोल ही नहीं गई आगे। आई थिंक शी इज ओके विद इट। यार एक होता है कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा बीमार है, दूर से बैठकर लग रहा है बीमार है। एक बच्चे के पास बैठो, आप उसका हाथ पकड़ो, आपको गरमाइश फील होगी ना, तब एहसास होगा कि उस बच्चे का दर्द क्या है। तो वहाँ पे तो है ही नहीं ना वो सीन। आपको सबसे पहले एडमिशन देना है फुल फीस के साथ। आई एग्री सबके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके पहले बताओ ना कि वारंटी का प्रॉब्लम है। मैम आप एक बच्चे को ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो खड़े खड़े आपको 2 लाख दे देगा। और हाँ मैं सूट सलवार पहनती थी, मैं चोटी बनाती थी क्योंकि मैं राजस्थान में चूरू नामक जिले से आई थी, लेकिन मेरे ड्रीम्स तो बड़े ही थे भाई। और मेरे को इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब रिवील करने की मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। और एक गुरु के लिए रिस्पेक्ट भी होती है, मैंने हमेशा की, कभी उठी ही नहीं थी। मैंने हमेशा की, आज तक मैंने कहीं जिक्र नहीं किया जबकि मेरे नाम पर बच्चे भरे गए हैं। एग्जैक्टली। उनके वाउचर्स में ये लिखा गया है कि हमने शीना कौर को पढ़ाया है, बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे विवाद। शीना कौर को पढ़ाया नहीं है, सिर्फ बनाया भी है। अच्छा आपको नहीं पता, मतलब बच्चों की इंक्वायरी का आंसर शीना कौर कब से हो गई। आप कोर्स कर रहे हो, आप ये पूछोगे किस किस को पढ़ा दिया, आप मेरा नाम आगे से आगे विद स्क्रीनशॉट भेज रहे हो। फेमस हो गए ना थोड़े से, अगर आप अभी नहीं हुए हो तो आपको पूछते भी नहीं। नहीं पूछा। एक आशा दी थी, उसने मुझे पढ़ाया, आई डू एग्री। मेंटोर थी वो, ऑलराउंडर थी। अच्छा ओके। वो आती थी, उसने मुझे बोला आज ये ग्रीन कलर कर लो, आज यहाँ पे पीला कलर कर लो और हो गया मेकअप। मैंने बोला मैम मुझे ना स्मोकी आई नहीं सिखाया गया। अरे आप बैठो, आपका सर्टिफिकेशन है ना आज, मैं आप स्मोकी आई करती हूँ, आप देख भी लेना, आप सीख भी जाओगे। अच्छा आप बंद तो ये प्रोफेशनल कोर्स है। ये प्रोफेशनल कोर्स है और इम्तहा तब हो गई, लाख से 1.5 लाख फीस थी उनकी, 1.5 लाख का, जिसमें वैनिटी भी एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड। और इम्तहा ये हो गई, मुझे आज तक याद है मैम ने कहा था एक डेमो मैं जरूर दूंगी। मैंने कहा चलो मैम का एक डेमो मिलेगा। पंजाबी बाग ब्रांच में मेरा एडमिशन हुआ था, हमें उसी दिन 900 रुपये की कैब करके शिवालिक बुलाया गया कि शिवालिक में डेमो होगा। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मालूम चला मैडम की वहाँ ब्राइड है शिवालिक वाली ब्रांच में। अच्छा। तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए तो हम 900 रुपये की कैब करके यहाँ से पंजाबी बाग से शिवालिक जाएंगे। 900 रुपये तो फिर उन्होंने मैम ने ही पे करे होंगे ना ऑब्वियसली। हाँ योर ड्रीम्स। बात पैसे की भी नहीं है कि बंदा वहाँ पे गया है, तुम क्या डेमो दे रहे हो एक कमरे में तुम बिठा के। मैं मानती हूँ आप मीनाक्षी दत्त तो ब्राइड पे डेमो दे रही है एक तरह से, वो रियल ब्राइड करनी है उसको ताकि वो लेट ना हो जाए। हाँ। तो उन्होंने एक लड़की बुलाई, दीपिका नाम की लड़की थी वो, उसका मेकअप चल रहा है ठीक है, जितना उन्हें आता था उन्होंने मुझे सिखा दिया, आई डू एक्सेप्टेड। लेकिन वही डेमो, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कोई टीवी नहीं है। अच्छा। और मुझे इतना बुरा डाटा गया, कुछ भी नहीं दिखा। मैम यहाँ है, मॉडल यहाँ, मैं पीछे हूँ जस्ट। अब मैम बाकी बच्चे, चार बच्चे हम थे और 2 बच्चे एक्स्ट्रा बुला रखे थे, उन्होंने नहीं दिख रहा था। और उसने बोला मैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका रिएक्शन इतना गंदा था जैसे मैंने कौन सी चीज़ डिमांड कर ली।
इसलिए मैं हर माँ बाप को बोलूँगी अपने बच्चों को ना इतना पोलाइट मत बनाओ कि उन्हें सही गलत का दिखना ही बंद हो जाए। और वो शिवालिक में डेमो खत्म हुआ, मैं अपने अच्छा वहाँ पे हम चार फ्रेंड्स थे, दो से मैं अभी भी कनेक्ट में हूँ, दो से मैं कनेक्ट में नहीं हूँ। तो मैं और पिया, सो पिया इज़ वन ऑफ माय डियरेस्ट, क्योंकि वो साथ में थी उस टाइम पे। तो जब हम आज बात करते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि यार एक्सपोज क्या करना है यार, ठीक है उसके तुम्हारा एक्सपीरियंस जैसा रहा मैम के साथ कोई बात नहीं। वो बाकी दो ना गालियाँ देती थी उस टाइम पे भी कि पागल बन रहा है हमारा, और मैं इससे 17-18 साल की लड़की थी, मुझे लगता था कि यार नहीं यार पागल तो क्या ही बन रहा है, ठीक है जितना आ रहा है। मैंने मैम को भेजा फोटो कि मैम ये मेकअप अच्छा है, वेरी नाइस, इट्स टू गुड, बतानी चाहिए। तो वो मेकअप गलत था, वो पूरा पूरा गलत था, पर मुझे गलत नहीं बताया। जब तक नहीं बताओगे सीखेगा कैसे स्टूडेंट आपका। ये सब पैसे छापने की मशीनें थी। आज वहाँ क्या सिनेरियो आई डोंट नो। और देखो लोग इतने अंधे होते हैं। मैंने अपने कजिन्स को बोला कि मैं मेरा अकेडमी चल रहा है, मैंने कहा तुझे सीखना ना मैं सिखाती तेरे को। उसको लगा कि नहीं नहीं मीनाक्षी मैम ने इसको बना दिया। वो उतनी फीस दे के वहाँ पे सीख के आई और आज रोती है वो। आप आज के सिनेरियो की बात कर रहे हो ना कि वहाँ पे क्या चल रहा है, इनफैक्ट आपके टाइम के भी जब आपने सीखा था तब भी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में है जिन्होंने वहाँ से सीखा था, तो उनके थ्रू मुझे एक चीज सुनने को मिली है यार कि वहाँ पे प्रैक्टिस जो मॉडल्स होती हैं, मतलब उनका भी कुछ हिसाब किताब था। क्या हिसाब किताब था मुझे तो जो सुनने में आया, मैं तो बिलीव नहीं कर रही हूँ, तो आप ही बता दो क्या हिसाब किताब था मॉडल्स का। कैसा था ना कि जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टा स्टोरीज पे, प्लीज़ आ जाओ 300 रुपये ले लो। 300 रुपये के अंदर लास्ट 3 साल से मेरे यहाँ रोज़ मॉडल आ रही है वहाँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियोज के लिए भी इनफैक्ट हमने बहुत ही मिनिमल रेट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाके किसी आम जनता को बोलूँगी ना, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे अकेडमी आ जाओ, प्लीज़ कम में आ जाओ, यूँ 3 साल से 300 रुपये में मॉडल्स बुला रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पे उस टाइम वो अपने स्टाफ को बिठाती थी और 500 रुपये पर 4 आवर के मुझे चार्ज करती थी। 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स के 500 रुपये। हमारे यहाँ मॉडल्स 8-8 घंटे बैठ के जाती सिर्फ 400 रुपये में। हाँ हम उन्हें मील देते हैं, 100 रुपये के अंदर मील आ जाता है। कुल मिला के 400 रुपये में मॉडल आके मेकअप भी हो रहा है, हेयर भी हो रहा है। वहाँ उनका स्टाफ बैठता था 500 रुपये के अंदर, उसमें भी एहसान तेरा होगा मुझ पर। स्टाफ को बिठा रहे हो और 500 रुपये भी ले रहे हो, बट स्टाफ को क्यों बिठा रहे हो? क्योंकि एफर्ट डालने नहीं थे ना। सारी मॉडल्स हमारी 300 वाली माधेपुर से तो आती हैं, पंजाबी बाग मेरी ब्रांच थी, तो माधेपुर से जब 300 रुपये में यहाँ आ सकती है, वहाँ क्या उसमें 300 में आ नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी, जीरो एफर्ट। उनके हिसाब से था कि दूसरे का पैसा मेरे। फेमस बैक देन यार, शी स्टिल फेमस, शी वाज फेमस। अगर वो चाहे तो वो मुझे बुला सकती है फ्री में कि शीना यार तू मेरी बच्ची रही है, तू आ जरा मैं तेरे को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, या तू आके अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे, मैं तो छाती चोड़ी हो जाए टीचर की अपने बच्चे को बुलाने में। हाँ गुरु, आप गुरु ही मानते हो। गुरु को तब याद आया जब मेरे 100K हो गए, मेरा नंबर था, तो मैंने क्लास खत्म होने के बाद बोला कि ना मैम मुझे ना ये ऑरेंज कलर का पता नहीं चले क्या होता है। एवरीथिंग वॉज टॉच यू इन द क्लास, कांट टीच यू ऑन व्हाट्सएप, दैट वॉज द मैसेज आई गॉट। और वो बोलती भी तो ऐसी है ना, ए लड़की करके बुलाती है वो। आप उस वीडियो में देखना, शी इज सेइंग उसके माँ बाप आए थे, उसके पैर छू रहे थे। इसको कहते हैं कि एक तमीज से क्लासी बनो भाई, अभी नहीं बोल सकते पैर छू रहे थे, पैर छूते छपरी थोड़ी ना हम सारे। और मेरी मम्मी आई थी ना, मुझे जब ऑन द स्पॉट बोला गया था कि वारंटी का पैसा, तो मेरे को पास पैसा नहीं था, मेरी माँ ने अपना कंगन रखा था मुझे आज तक, कहता माधेपुर में ही किशन सुनार के यहाँ, मुझे पूरी कहानी याद है ये। और मुझे था कि कोई बात नहीं, हो सकता है इनसे रह गया होगा। मैम जब आपका गाइडर ही कोई नहीं है, कोई आपके गॉड फादर नहीं है, आप वही करोगे जब आपका मेंटोर बोलेगा। सो आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है बस सिखा दे पूरे। और वहाँ पे ना ये मतलब नहीं है आपको कि आपको आया या नहीं आया, 21 दिन का कोर्स है ना, तो 21 क्लासे ही मिलेंगी। अच्छा। आप मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पर जाके चेक कर सकते हैं। क्लासेस में से भी तो कुछ मिला नहीं ना, कुछ भी नहीं रहे। जब तो आपके पास बच्चा इसलिए ही आ रहा है क्योंकि उसको नहीं पता है कुछ, ठीक है वो सीख रहे हैं, आप उसको काउंसलिंग नहीं दे रहे हो ढंग से। नहीं काउंसलिंग कुछ मैम भगा और रहे हो कि नहीं तेरे पे वैनिटी नहीं है तू जा भाई। मुझे नहीं एडमिशन दिया 2 दिन तक, उसके बाद में वहाँ पे मुझे बोला गया कि प्रैक्टिस के लिए तो ऐसे ऐसे होगा। मैंने कहा आज 21 एक मुझे आता 4th-5th क्लास थी मेरी, रिसेप्शनिस्ट मेन मेंटोर तो आई नहीं है उस दिन, तो रिसेप्शन पे वो काउंट कर रही पैसे पूसे, पूजा नाम था शायद उसका, मैं भूल रही हूँ कुछ ममता नाम था शायद उसका। तो वो आएंगे अंदर, वो कहती आप ना ये कलर लगाओ मैं अभी आ रही हूँ। क्यों लगाना है, क्या लगाना है, कैसे नहीं पता, मैं ऑल कंफ्यूज। मैंने उठा के कंटोर शेड कंसीलर में लगा दिया और मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गोरा लग रहा, पूरा डार्क हो गया। अकेले ओहो तुम्हारे तो अकल में कुछ नहीं जा रहा। अच्छा दैट्स व्हाट शी डिड टू मी, ये तो कंटोर लगा दे, कंसीलर लगाना था, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मैडम। और चलो मैं मान सकती हूँ कि
मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। देखो मैं अभी इतने बच्चे पढ़ाती हूँ, हो सकता है 50 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो कहेंगे मैम मुझे समझ नहीं आया, तो वो बच्चा ये नहीं कहेगा मैंने समझाया ही नहीं, मैम ने एफर्ट नहीं डाले, मैम तो आई नहीं। मैं मान सकती हूँ कि मैं इतनी अच्छी टीचर नहीं हूँ कि मैं 50 के 50 को सेटिस्फाई कर दूँ, पर वो 50 के 50 ये ज़रूर बोलेंगे कि मैम वॉज देयर, मैम वॉज एटलीस्ट देयर टू हियर अस आउट। मैं तो ये भी नहीं कह सकती, उनके पास गिने चुने वो 4 एक्सपीरियंस होंगे जहाँ उन्होंने मुझसे फर्स्ट डे फीस ली है। सर्टिफिकेशन लाखों का कोर्स करा के सर्टिफिकेशन स्नैपचैट के कैमरे से हो रहा है, मेरा फ्रंट कैमरे से मोबाइल से फोटो खींचे मेरे को पकड़ा दी सर्टिफिकेट। यू इवन अ ब्रांड, क्या हम डिजर्व नहीं करते कि हमें एक DSLR का फोटो मिल जाता? खुलासे करने मैं आ गई ना उस अकेडमी के, क्योंकि मैं मेरे साथ साथ मेरे खानदान के 2 लड़कियों ने और सीखा वहाँ से। जब मैं खुलासे करने पर आ गई ना तो उन्होंने तो मेरे को सिर्फ 2 दिन दिए हैं, मैंने पूरे 21 दिन लगाए हैं वहाँ पे। चाय द कप तक ना चाय, मतलब चाय नॉर्मल 10 रुपए की चाय नहीं आती है। चाय के लिए वैसे था कि एहसान ये लो चाय। शुक्र है वहाँ पे एक सब स्टाफ थी लड़की, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, उसने मुझे टाइम पे चाय दी है। ये बोल रही कि आप पियो, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक लगी हुई हूँ, क्योंकि मैम तो आई नहीं रही है। वहाँ पे 2-1 मेंटोर थी उसकी, किसी से आशिकी चल रही थी, तो मैं वो सब देख रही हूँ। आई एम जस्ट डाइजेस्टिंग इट एवरीथिंग, क्योंकि मेरे हमने शुरू 4 ने किया, बीच में करते करते लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो कोई दुबई भाग गई, कोई मुंबई भाग गई, मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। और हेयर स्टाइल में सामान ऐसे, मैं आज भी ग्लो गेम मेरा है तब भी मैं ये बोलती हूँ कि आपको मुझसे लेना मुझसे लो, कहीं और से लेना कहीं और से ले लो। हाँ। वहाँ पे फिक्स था जनक ही जाओ, कमीशन कट रहा होगा ना वहाँ पे, तो वो भी मैं कहूँगी, मैं वो भी कहती हूँ चलो बिजनेस है आपका वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बच्चे पे रहम तो खाओ। सचदेवा नाम का डीलर था, उसको बुला लिया, ये मैक की 400 रुपए की लिपस्टिक है, ये सबसे अच्छी है, 400 की लैक्मे की नहीं आ रही 400 की, बंदा ये बोल के भेज दे ड्यूप है। ये बोली मुझे वहाँ का स्टाफ की ना ये डिस्काउंट पे मिलती है, डीलर्स आ रहे हैं ना, 400 रुपए की एक लिपस्टिक, मुझे पता है सदर में वो 600 रुपए की 12 मिलती है। और सब ठीक है, मैं हर एक, अगर स्टाफ ने चीटिंग की हो ना मेरे साथ तो मैं कहूँगी स्टाफ तो हरामी होता है। ऑनर होके, ऑनर होके कोई इंसान अपनी जगह का इतना मैला क्यों कर रहा है भाई। और मुझे गुरु माना, मुझे गुरु माना, इज्जत दी, मेरी गलती थी, मैं खुद बोलती हूँ मेरी गलती थी, मुझे सिखाया ही बचपन से ही गया था, वहीं पे स्टैंड लेना चाहिए था, वो लिया नहीं, क्योंकि बदतमीजी की आदत नहीं है ना, नहीं थी। और मैं कैसी थी ना, मैं गांव की बिल्कुल गवार लड़की थी, गांव की लड़कियां बहुत अच्छी स्मार्ट होती है, मैं गवार थी, क्योंकि हमें माँ बाप ने कैसे कहा बचपन से, नहीं नहीं जुबान खराब नहीं करनी, इसे गवार नहीं कहेंगे, इसे बहुत तहजीब में कहेंगे, अब बहुत सिमटे हुए थे, पता है आपको, शायद आपको याद होगा ये देवी की कंट्रोवर्सी से पहले भी मैंने कभी उस बंदी का नाम तक नहीं लिया। बच्चे मुझसे पूछते हैं कहाँ से, मैं बिल्कुल ऑन स्क्रीन बोल सकती हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि कैसा रहा हमारा, कैसा सिखाया है, तो मैं तो सिंपल से यही बोलती हूँ कि यार सर्टिफिकेशन मेरा हुआ है, पर पूछूँ मैंने सीखा कहाँ से है, तो मैंने अपने आप सीखा है, मैंने यूवी गई के वीडियोज से सीखा, मैंने स्मिता दीपक के यूट्यूब से सीखा, मैंने शालिनी श्रीवास्तव से देखा, और मुझे ना इन लोगों ने, मेरे टीचर नहीं है ये लोग, बट मैंने इन्हें एक्सेप्ट किया एज अ टीचर, और चाहे मैंने एक ही ट्रिक सीखी है यूवी सर से, पर यूवी सर मैंने सीखा है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, वो तो गायब था दूर दूर तक। जैसे क्रेडिट तो हर जगह खाया ही गया है कि मैंने सिखाया है, ये देखो शीना कौर बना दी मैंने, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जब से मैंने जाना है आपको, 5-6 साल तो मुझे हो गए आपके साथ, आपको फॉलो तो इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने किया नहीं है, आप तो फेमस हो गए अब भी फॉलो नहीं कर रखा है, तो क्रेडिट किस बात का हर जगह। 100 के होने के बाद मेरे का, मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि अपना अकेडमी रिव्यू शेयर कीजिए, मैंने उसमें बकायदा लिखा बहुत इज्जत के साथ शब्दों को परोसा कि मुझे आपका ऑरा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, बट स्टाफ बहुत रूड है, वो उस चैप्ट में है आज भी। तो शी सेड हाउ कैन यू से दिस टू मी, वी आर रनिंग सो मेनी ब्रांचेज, नोबडी सेड एवर दिस टू अस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई डबल स्टैंडर्ड्स। आई सेड मैम आई डिडंट लाइक इट, दैट्स फॉर श्योर। और 100 के भी मेरे को कौन से कुछ दुनिया भर के बच्चे मिल रहे थे, मैं तो वही 15 बच्चे पढ़ा रही थी, हालांकि मेरे 15 बच्चे थे मैम के पास, सभी 4 ही थे, क्योंकि टीचर के पास बच्चा टीचर को देख के ही आता है। और मैं तो आज खुले में ओपन बोल सकती हूँ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स अपना पैसा बचाओ, अपना मेंटोर देख के चुनो। आप सीनियर हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों में सीनियरिटी लेके बैठे हो, सीनियरिटी पे भी हो, आपने मुझसे ज़्यादा काम किया है, आप तो माँ वर्गी हो, मुझे ये करना पड़ रहा है बिकॉज आप मुझे मजबूर कर रहे हो। अगर आप मेरी उम्र की होती ना फिर मैं आपको बताती असल शीना कौन है। मेरी माँ ने मुझे कॉल करके बोला इसको पूछो जरा कब आती थी, मैं वहाँ आके 7-8 दिन रुक के गई हूँ, कब आई है ये, वो आती थी शाम को मेरा क्लाइंट करने के लिए, बस सर्टिफिकेशन पे हम वेट कर रहे हैं। और यार एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा अपने टीचर को, ये तो बोलेगा बच्चे का ध्यान रखना, ऑब्वियसली
हर माँ बाप यही बोल के जाएगा, ये तो नहीं बोला था हमारे को डिस्काउंट दे दो, ये नहीं बोला डिस्काउंट दे दो, ये नहीं बोला वारंटी दे दो। और सुन के ना, मेबलिन का मेरा जेल लाइनर था, मैंने आशा जी को बोला कि दी सूख गया है, प्लीज मैं एक ड्यू लाइन डाल दोगे। ड्यू लाइनर आता था 900 रुपये का, 1100 रुपये का। मैंने कहा तेरी आपके पास नहीं है, मैंने कहा मैम मेरे पास नहीं है, अगर मैं इस पर एक ड्रॉप डाल दोगे ना तो ये चल जाएगा, वरना मुझे फेंकना पड़ेगा। मैंने कोई लॉजिकल बात करी है, एक ड्रॉप में क्या ही निकल जाएगा, तुम चार्ज ले लो भाई। और मैं उस टाइम 900 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली, नहीं नहीं ये नहीं डलता, आप इसमें ऑयल डालो, ड्यूरल लाइन से ना खराब हो जाएगा, ऑयल डालो, ऑयल डालो। तो उस बंदी ने मुझे मेबलिन में ऑयल डलवा के, वो वाला जॉनसन बेबी वाला, मेरी आंखों में काजल डलवा दिया। उसके बाद माई आई गॉट इरिटेटेड, क्योंकि वो ऑयल था। और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू, तुम्हें कितना भी सिखा लो तुम करती नहीं हो। मैं कहूँगी उसकी गलती थी नहीं, स्टाफ की गलती नहीं थी, जैसा इंस्ट्रक्ट किया गया होगा, रखा है जैसे इंस्ट्रक्ट किया होगा वो वही करेगा। क्लासे जो मेरे खिलाफ, अभी मुझे ना चार तितलियां बगल में बिठाने की जरूरत नहीं है, कि मैं चार तितलियां बिठाऊंगी, ओ माय गॉड गुड मॉर्निंग, मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पे अकेले स्टैंड ले सकती हूँ, एंड आई एम नॉट ऑलमोस्ट फेमस, आई एम ऑलरेडी फेमस ऑब्वियसली। और मुझे ये किससे भी नहीं उठाने थे, क्योंकि दफन कर दी मैंने वो मामले कब के भाई, मुझे क्या लेना देना है। और ये करना होता तो पहले ही पहले करती कर, जो नाम आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मुझे करना चाहिए था। एग्जैक्टली अभी तक तो फिर अभी तक तो मैं कहाँ ही कहाँ पहुँच जाती। और ऑन स्क्रीन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी दिया डेमो आज तक कैसे मैं नहीं। और चलो ये सारे दफन कर भी ले इंसान अपने चीज़ों को, जज्बातों को दफन कर भी ले, वो एहसास तो दफन हो ही नहीं सकता। मैं दबा के बैठी थी 8-10 साल की, नहीं यार कोई, और तब भी मैं आपसे पार्टी से मिली, मैंने आपसे आगे से बढ़ के बात की है, आपको रिस्पेक्ट दिया है, आज तक मैं आपको मीनाक्षी मैम बोलती हूँ, तो ये मेरी गलती नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है उस एकेडमी में रूल्स के नाम पे इतने तगड़े तगड़े रूल्स थे, पर एक रूल ये भी होना चाहिए था कि मैं आके देखूंगी आपको क्या काम कर रहे हो। अगर उस टाइम पे या फेस टू फेस बातें आपकी हो जाती, वो सुनती ना, मेरे ख्याल से आज के दिन में नौबत नहीं आती। मैम खौफ ही ऐसा था, खौफ ही ऐसा था कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, मतलब यू कांट, आप खड़े हो, आप आके मुझे, मैम आई एम लविंग योर ड्रेस, मैं भी परचेज कर, कहाँ से लिया तुमने ये, ये दिख रहा है उनको, ये नहीं दिख रहा कि शीनत मेरा क्या हाल। आज मैं अपने बच्चों पर जाती हूँ, मैं इससे पूछती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। शी नेवर एवर आस्क। अब वहाँ का स्टाफ सिखा रहा है, हेयर कोई सिखा रहा है, आपस में अलग सी पॉलिटिक्स चल रही है, हर अकेडमी में पॉलिटिक्स होती है। और आज मैं कर रही हूँ ना पॉडकास्ट, शायद साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद मेरा भी कोई बच्चा उठ के आ जाएगा, बोल देगा मेरे बारे में, लेकिन मैं उसे कन्फ्रंट करूँगी कि अगर इतना सीन हो गया ना कि बंदा मुझे कॉल करता कि यशीना तूने इतनी बदतमीजी कर दी ना, मुझे अच्छा नहीं लगी, मैं हाथ जोड़ के ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगती कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किसी नुक्कड़ वाली को पकड़ा, उसको सपोर्ट किया, और आपका बच्चा जो आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला आज तक, आपने उसको चौड़े में नंगा कर दिया, और फिर ये एक्सपेक्ट किया कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, पर मैं आपको कुछ भी ना बोलूँ। मैं आज भी ओपन कह रही हूँ, मेरे बच्चों को बोल देगा मैं मुझे सीखा नहीं, मैं कहूँगी तू आ, मैं तुमको फ्री में सिखाऊंगी, क्लास और दूंगी। मैं इस वक्त बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं किसी को जलील कर रही हूँ, मैं ये जलील ही कर रही हूँ एक तरह से, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आज बच्चे मुझसे उठ के क्वेश्चन करते हैं कि मैम ऐसा था क्या, मैं एक एक को थोड़ा ना बता पाऊंगी जाके, पर मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी, जरूरी पड़ गया, जरूरी है। अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, आपका मेंटल हेल्थ की माँ बहन हो जाएगी। मैं तो नहीं कह रही कि मेरे बगल में दो बच्चे बैठे आए, 5 बच्चे मुझे बताए, नहीं भाई, मेरी आज भी उनसे यही गुजारिश है कि अगर मामला खींचना है ना, मेरा अभी भी मेरे आई एम जस्ट हाइडिंग माई रियल कलर्स, जस्ट लेट इट बी, मैं अपना असल चेहरा असल रंग नहीं दिखा सकती हूँ, वरना इतनी तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बदनाम हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके बाद क्या होगा। ऑलरेडी बदनाम हो आप तो, अरे उनका वॉइस नोट है। अच्छा। मैं भी देखती हूँ कौन कब तक टिकता है, मैंने तो इतने साल काम किया है, कौन कहाँ नहीं करना। मैं सोच ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ, मेरे को ना रिटायरमेंट चाहिए बहुत जल्दी, मैं कंट्रोवर्सी से चाहिए पहले रिटायरमेंट आपको तो, प्लीज। हाँ, काम वाम की बातें बता रहे हो, रिटायरमेंट सच में के मुझे लगता है द मोमेंट मेरी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी ना, अभी आपको पता है मैं अपनी ऑन स्क्रीन में कभी नहीं बोलती हूँ। अभी हमने ग्लोबल छीना निकाला था ना, इन सब कंट्रोवर्सी से बहुत महीने पहले का निकला हुआ है वो। Exactly, हाँ। सिर्फ क्यों निकला था भी, लेकिन कितने टाइम बाद हुआ है कंट्रोवर्सीज के चक्कर में। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और सबके बच्चे जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं 30 साल की उम्र में
आधे से भी आधा एक्सपीरियंस लेकर ये एक इनिशिएट कर सकती हूँ, अपने पहले से 2-4 लाख रुपए लगा सकती हूँ। कभी उनका मन नहीं करता, कोई प्रॉफिट नहीं है, एक रुपया नहीं मिलता, कोई फीस नहीं रखी, कोई कुछ नहीं रखा, खाना पीना इतना अच्छी खासी प्रॉपर्टी सब दे रहे हैं हम आपको, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को हेल्प हो सके। आपने कुछ ऐसा किया कभी? मोटिवेट ना हो किसी, कहीं से मोटिवेशन? अरे मैडम, और मैं आपको ऑन स्क्रीन बता रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे नाम को कहाँ का यूज़ करोगे, क्योंकि मैं आपको काम देती हूँ इसलिए आप मुझे यूज़ कर रही हो। मेरे तो फेमस इसलिए होगी, मैं तो भैया अपने साइड रख के काम कर रही हूँ। आप भी कर लो, आप तो मुझे गैदरिंग्स में नहीं दिखते कहीं, फालतू फिजूल की चीजों में नहीं दिखते कहीं, फिर भी कंट्रोवर्सी बन रही है यार, मतलब शर्म आनी चाहिए जो भी कंट्रोवर्सी कर रही है, मैं तो साफ बात कह रही हूँ आज। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड्स का ना इतना छोटा टॉपिक बना दिया है कि अगर तू साथ बैठ के चाय पी तो मेरी फ्रेंड हो गई। मुझे लिटरली ऑनलाइन बोला गया हम अपनी फ्रेंडशिप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई तू ना तू एवरीथिंग इज सो ऑफिशियल राइट नाउ, देर इज नो। अभी मैं और पिया, मतलब चल रहा है कि तुझे मेरे तेरे फॉलोवर्स मेरे, मेरे फॉलोवर्स तेरे, और पिया और मैं फ्रेंड्स हैं। आपने कभी हमको कभी देखा ही नहीं होगा कि हम कंटेंट बना रहे हैं, नो। सिमी और मैं सगी बहनें हैं, हमारे कंटेंट अलग अलग जाते हैं सब। अब मैं अपने टीम को इतने इंजॉय भी कराती तो आई एम नॉट शोइंग इट टू, उसका पूरा स्टाफ रोता था। और तरीका देखो बात करने का, ए लड़की हाँ ये अच्छी लड़की है, लड़की अच्छा काम कर, नाम है सबके। कि आप जिससे भी बोलते, इनफैक्ट अपने स्टूडेंट से भी छोटी हो बड़ी हो सबसे आप मैम करके बात करते हो। नाम तो कभी आ जाएगा ना मुझे, मैं बेबी बोल देती हूँ। हाँ। जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि अच्छा काम नहीं कर रहा बच्चा, तो मैं ये नहीं बोलूँ कि ये लड़की तू पागल हो गई है क्या। Exactly. उसको बोलती हूँ कि बेबी सुन, देख ऐसे नहीं ऐसे कर, फिर जाके माफ़ी। मैंने अपने 2-3 बच्चों से माफ़ियाँ मांग रखी हैं, 7 डेज के बच्चे थे, अच्छा काम नहीं करते वरना गॉसिप बहुत करते थे। मैं जाके डांट दिया, उसको इतना बुरा लगा कि मैं उसे माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं, मैं बहुत छोटी उम्र से कमा रही हूँ, नहीं था एक्सपीरियंस इतना, तो हाथ जोड़ के माफ़ी, मैं तो आज भी माफ़ी मांग लेती कि मुझसे गलती हो गई है। लेकिन माफ़ी मांगने में क्या है यार, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, हर कोई मतलब इंसान है। अगले को बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, मांग लो, पर अपना अपना पता नहीं आज के लोगों ने चीज़ें इतनी कमर्शलाइज कर दी हैं सारी, हर जगह पैसा, हर जगह कमीशन, बस पैसा आ जाए जेब में, जेबें भर लें और अपना लेंडर डाल लें। इमोशंस को भी ना, जज्बातों को भी कमर्शलाइज कर दिया है। मुझे मुझे आपको पता है मुझे कोई बात बुरी नहीं लग रही कि मेरे बारे में उछाला जा रहा है, बोला जा रहा है। सिर्फ एक बात कि ए मेरे माँ बाप के बारे में शब्द भी नहीं सुनना चाहूँगी मैं, बी पैर छूती थी तो यार पैर पकड़ के कोई जाके गोबर खाना लगा दिया था मैंने, पैर पकड़ के भीखे मांग दी थी कि यार भीख मांग रही हूँ मैं तो, फ्री में सिखा दो, भीख मांग रही हूँ काम दे दो, गिनती के 3 बार आई है। जेस्चर था वो तो, गुरु आपके छू लिए पैर, क्या हो गया? उसके बाद भी ये धोखा होने के बावजूद मैं समझ रही हूँ 1 साल तक कि शायद यार मैं गलत हूँ, यही सही है। फिर मुझे अकल आ रही कि जिन्हों मेकअप के नाम पे तुम्हें डेमो नहीं दिया गया है, और मैं उनसे पूछ रही हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ मैम गुरु मैं थैंक यू। हाँ, अगर मैम ने मुझे कुछ सिखाया है ना तो ये सिखाया कि कैसे टीचर नहीं बनना, कैसे बच्चों को ट्रीट नहीं करना। आज एक एक बच्चा मुझे बोलता है मैम जैसा आप पढ़ाते हो ना, लेकिन हमें नहीं पढ़ाया गया ना। मैंने जाके 6 साल धक्के खाए पहले, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया, फिर मैंने MDM से अपने को कंपेयर किया, मैं अपने आप को बहुत ऊपर लेवल पे समझती थी, क्योंकि एज अ टीचर जो रिस्पेक्ट मुझे मिला है ना वो और किसी को नहीं मिला है। बिल्कुल, ये तो हम देखते हैं यार, आप करो ना इन्वेस्ट। बिल्कुल, मेरी खुशकिस्मती थी ये कि मैं फेमस हो गई और आज ये चिट्ठी मैं खोल रही हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, और अभी भी कोई गड़बड़ लग रही है, पंगेबाजी लग रही है, जस्ट कॉल मी। और वैसे भी यार मैं तो इन्हें फॉलो करती थी, इन्होंने मुझे आज तक फॉलो तक नहीं कर रखा था। तू मेरा बच्चा है, तेरा मैं नाम डालूंगी, तुझे मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं तुझे फॉलो नहीं करूँगी। यू आर नॉट वर्थ फॉलोइंग, किट्टे मुँह थोड़े फिर। वो फेमस है ना, मेरा आज तक 18 बैच ये हो चुके हैं 28 डेज, और 18 ही मेरे 7 डेज हो चुके हैं। सब बैच में मालिक की दया से 50 से ऊपर बच्चा बैठता है, ठीक है, 40 से ऊपर बच्चा बैठता है। एक एक को फॉलो किया मैंने बगैर ये सोचे कि ये फेमस है या नहीं है, सिर्फ किस लिए, मुझे पता है अपनी पढ़ाई पे मुझे भरोसा है कि बच्चा आगे जाके फेमस ज़रूर होगा। इस उस ये जो हिस्ट्री बनती है ना मैम, ये ऐसे ही बनती है, और मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा नाम को कालक मैं ही लगाऊंगी। और आपने आपने मुझे ना बोला कि मौका दिया गया है यार, ऑब्वियसली है कि क्यों हम चाहेंगे। और अभी भी मैं ये चाहती हूँ कि इतनी गलीच बातें मत करो, और जो सूट सलवार में दिखने वाली लड़कियाँ होती हैं ना वो बहुत अंदर से ताकतवर होती है, उनको कमज़ोर ना समझा जाए। जो कोई अपनी भी आ गया ना तो वो आपको दिखा देगा। और मेरी माँ जिस दिन आ गई ना, कि जिस दिन मेरी माँ से मैंने उसके कच्चे काटे, उस दिन जवाब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि उस औरत ने अपने गहने रखे थे। मैं एक कॉम्पिटिशन फाइट करने के बाद आपके पास आई थी,
और आज भी मुझे कोई शिकायत नहीं, आपकी पढ़ाई बुरी थी, बुरी थी, चलो आज मैं भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ आपकी पढ़ाई बुरी थी, आप बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके इतना फेकनेस था कि उस ग्लैम डॉल में आप ये भूल गए कि आपका मेन बच्चा है। और ये एक फीडबैक है आपके लिए, शीना एक नहीं है, शीना जैसी बहुत लड़कियाँ, जब वो सब एक हो गई ना, दैट इज योर एंड। गुरु के लिए अगर ये सुनना पड़ रहा है ना गुरु को, तो इससे बुरी बात गुरु के लिए कुछ नहीं हो सकती। गुरु तो हम तब उनको बोलेंगे ना जब वो डिजर्विंग होंगे गुरु शब्द के। गुरु बहुत बड़ा शब्द है, गुरु अपने आप में ही शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वही जिम्मेदारी को 1% भी नहीं निभा रहा है ना, फिर तो बात सॉरी टू से दे। आगे आप समझदार हैं, आपको पता है इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है ना, मॉडल्स ने आके मुझे सपोर्ट किया कि मैम आप मैम हम तुम्हारे साथ हैं। क्या लेन देन है उनको? व्यवहार। हमारे पास जो मॉडल्स वहाँ पे आज से इतने टाइम पहले 500 रुपये में थी, हमारे पास आज भी 300 रुपये में आ रही है। हम बच्चे को खुद उसकी पूरी टेक केयर करते हैं कि इसको प्रॉब्लम ना आ जाए। गारंटी, बच्चे बोलते हैं मेरे औकात के बाहर है पैसा, हम कहते हैं कम से कम बनवा के देंगे। बच्चे को अपना सामान नहीं उठा के दे देती हूँ कि चल तू यूज़ कर ले, प्रैक्टिस के लिए हम अपना सामान दे प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, नहीं देखते। मेरा स्टाफ मुझे टोकता है कि मैम इतना भी नहीं खोलना होता दिल, और मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं खुला ना, मुझे बुरा लगा था, कर लें दो। कोई रोक टोक नहीं है, हर हिसाब से मैं बेहतर परफॉर्म करना चाहती हूँ कि मुझे सब नहीं मिला। इसीलिए आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट्स टू मैम कि काश आपने अच्छा व्यवहार अगर नहीं किया है, उसी वजह से मैं आज ऐसी हूँ कि मैं यहाँ पहुँची हूँ। यस, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट आपको देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपसे सीखा था कि कैसे नहीं सिखाना, और लिटरली ये जो रिवर्स टेक्निक होती है ना, ये बड़ा काम कर गई मेरे लिए। और अगर आपने सिखाया होता तो इस जैसी शीना के बजाय एक सुंदर शीना आप कुछ ये बोल रही होती कि थैंक यू सो मच मैम। लोगों को लगता है ना कि आप बहुत ब्रूटल हो, आप कैसे सबके फट्टे चक देते हो, तो मेरे तो ख्याल से इसका रीज़न यही है कि हालात जो भी सिचुएशंस रही हैं हर तरह से उसी वजह से आज ये है। और ये जरूरी था यार, ये पहले होता ना बस फिर तो काम भी मैं था। अभी मैं ये बोलूँगी आई विश हर ऑल द बेस्ट, फीड एज अ फीडबैक ले लो। लाइफ में बहुत कांड होते हैं ना, मेरे से कम हुए, लाइफ में बहुत कांड होते हैं, इसको एज अ फीडबैक ले लीजिए मैम, क्योंकि आपकी पढ़ाई जीरो है मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा वही एक्सपीरियंस था। आज आप फट्टे चक रही होंगी आप भी, पर मेरे ऐसे फीडबैक्स आज भी सुनने को मिल जाते हैं। अरे मॉडल्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू ऐसे फीडबैक्स मॉडल्स की सुन लो इनकी। अब बच्चों को चाय पूछी नहीं जाती, उनको तो क्या पूछेंगी चाय, सिर्फ ट्रैवल पे करेंगे हम। आपको पता है जब मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, मैं बड़ी एक दिन ना अपसेट सी थी, पर मैं काम कर रही थी, तो हमारे पोर्टफोलियो था उस दिन पे, तो ये मॉडल के साथ दो मॉडल और आई और मुझे चॉकलेट पर आकर आके बोलती है आपने बहुत अच्छी फाइट करी। एंड दैट मोमेंट आई वॉज अबाउट टू क्राई कि मेरे को इसका सपोर्ट मिल रहा है जो हर जगह जा रही है, जिसका वहाँ से काम धंधा जुड़ा हुआ है। बट तब भी उसने डरते डरते 20 मॉडल्स में से 2-3 मॉडल्स ने आके मुझे सपोर्ट किया बिना मेरे कहे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि इतना तो प्यार मुझे मिल ही चुका है। तुम यहाँ पे कब से आ रही हो हमारे पास? मैं लगभग 3 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। आपको मेरी अकेडमी में बेस्ट बात क्या लगती है एज अ मॉडल कि जो और जगहों पे नहीं होता? यहाँ का मैनेजमेंट, टीचर सब बहुत अच्छा है और अच्छे से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इतनी ओपन हूँ कि मैं अपने मॉडल से भी बहुत रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर सक्सेस में चाहे छोटा छोटा सही पर पार्ट सबका है। आज अगर कैनवस नहीं मिलेगा तो हम पेंट क्या करेंगे, एंड वी रिस्पेक्ट दैट पार्ट। पर तुझे ऐसा लगता है कि आजकल तुम इतनी अकेडमी में जाती हो तो भी वो सिनेरियोज नहीं है, पता है कितना मुश्किल होता है फेस करना हर वो चीज़ जब आप सडनली आप ऐसे हो जाते हो, एकदम सब खिलाफ हो जाए तुम्हारे और सिर्फ कुछ ही अपने होते हैं जो साथ देने वाले होते हैं। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुमसे, मुझे लगा था कि ये बच्ची ये काम करने आती है इतना ही होगा। उस समय मुझे लगा था कि नहीं, शायद हमने व्यवहार बना रखा है एक दूसरे से। राइट, तू मेरे पास कम से कम 3-4 साल से आ रही है ना, तुझे मेरे कभी नेचर में लगा कि यार ये तो फेक बनती है शीना दी? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। आपने हमें ऐसा कभी फील ही नहीं करवाया कि हमें लगे कि हम किसी पराई जगह आ रहे। तुम हमारे पास इतनी बार आई हो और अभी भी तुम हमारी बहुत ही वो कॉमन वो हो म्यूज़ जो हर जगह जाती है, जो उसको हर जगह का पता होता है। तो जैसे लगता है कि बिना मतलब कि किसी को रगड़ना गलत बात है, कभी तेरे सामने कभी स्टूडेंट्स के सामने कभी जिक्र हुआ मीनाक्षी दत्त का, किया मैंने बोला कि अरे मीनाक्षी तो ऐसी है वैसी है? कभी भी कोई टॉपिक उछालता भी है? हालांकि बात सच है कि मॉडल्स आके सबको सच बताती है कहाँ पे क्या है, किसके साथ कैसा ट्रीट हो रहा है। टूर में काफ़ी टाइम से साथ काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ शेयर भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी रैंडम को उठा के बैठा दिया। यू वर देयर व्हेन आई वाज इन माय बैड टाइम। एवरी टाइम मुझे इतना सपोर्ट मॉडल से मिलता है, दे टैग मी। मतलब किसको घंटा फर्क पड़ रहा है किसी से? नहीं,
नहीं पड़ता, जिसके साथ अपनापन होता है उसे ही करता है इंसान। एक कंट्रोवर्सी के बाद जब तू मुझे चॉकलेट देने आई थी कि आपने बहुत अच्छा फाइट किया, वो पिक्चर मुझे उस टाइम पता था, सबसे ज़्यादा जरूरत इंसान को ना हमारे टाइम में अपनों की होती है। मैं तो ऐसे मसलों में जाके फंस जाती हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प नहीं कर सकते। पहली बात, तेरे को क्या थॉट आया कि मैं शीनम को जाके बोलूँ, जताऊँ कि आपने बहुत अच्छा किया? हाँ, मैं पता है आपको, मैं मतलब मैं यहाँ पे आज 3 साल से रही हूँ, 3.5 साल से यहाँ पे मतलब आपके साथ हूँ, पर मैं आपको 4-5 साल से देखती हूँ और एडमायर करती हूँ। आप बहुत अच्छा बोलते हो और जिसके लिए भी बोलते हो बहुत बढ़िया बोलते हो। देखो, जब इंसान ना बोलना स्टार्ट करता है ना, तो लोग बैक बिचिंग ये वो सब करते हैं, और वही आपके साथ हुआ। सक्सेस मिली, सब कुछ मिला, हो गया कल्याण। सब लोगों ने वो क्रेडिट लेने का ट्राई किया, बट मिलना था नहीं, क्योंकि कोई भी शीना मैम तो नहीं बन पाएगा। मुझे लगता है कि सबकी अपने अपने जर्नी है यार। मुझे लगता है सब लोग अपना अपना देख सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। व्हाई डू वी फॉलो सच बुलशिट चीज़ें ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे मेरे को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, सो मॉडल्स वर देयर, स्टूडेंट वर देयर, तुम हर जगह भी जाती हो। मुझे लगता है कि हर जगह किसी को जाके इतना सपोर्ट मिलता होगा। पता है, आपने वो चीज़ कमाई है भाई, सच में आपने वो चीज़ कमाई है जो आपको लोग दे रहे हैं। इवेंचुअली आप फैमिली का भी मानो ना, तो वो चीज़ आपने कमाई है एज अ डॉटर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मतलब सब कुछ आप बढ़िया हो, बेस्ट। आई डोंट थिंक आपकी कोई बुराई कर सकते। करते हैं, खसमालू खाने करते हैं, क्या बच्चे हो, क्योंकि वो लेवल टच नहीं कर सकते। मुझे पता है हजम नहीं होता है, आज मुझे लगा लगा के भी हजम नहीं हो सकता उनको। तुम हमारे पास बहुत पहले से, हमारी पहले स्टूडेंट रही थी, राइट? तुम्हारा इसके एज अ स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस यहाँ का स्टूडेंट का, क्योंकि उससे पहले कभी किसी से सीखा ही नहीं था। फर्स्ट एक्सपो से देखने के बाद तभी से यहीं पे मतलब काफ़ी अच्छा रहा। तुम्हें ऐसा लगा कि कभी भी अकेला फील हुआ होगी, पता नहीं आज मैम आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मेरे को अभी भी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मैम आती हैं या नहीं आती हैं। मैं उनको डायरेक्टली बोलती हूँ, मैंने कहा मैम बिल्कुल आती है, वहीं पे खुद सिखाती है, मेंटर्स भी हेल्प करते हैं, बट मैम अपने आप ही आके गाइड भी करती हैं किसी को कि मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मेंटर्स पे छोड़ती ही नहीं है कि भाई मेंटर तो इतने सारे हैं, सबको दी हुई है जॉब की, तुम स्टूडेंट्स को संभालो। उनका मैम भी सिखाती हैं, जो मिस्टेक्स रह जाती है वो हमसे भी करेक्ट कराती है, वो खुद तो करती ही हैं। करती है। पहले तुम यहाँ पे पहले बच्चा थी, अब हमारे यहाँ पे मेंटोर हो। आपको मेंटोरशिप में ऐसा महसूस हुआ कि सीखना, और कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने हमेशा एडवांटेज दिया हो कि भैया जो हमारे एकेडमी में ऑब्वियसली हमारे पढ़ाई बच्चों को हम बहुत एडवांटेज देते हैं, तो अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है। कनिका, तू हमारे यहाँ पे एज अ पहले बच्ची आई थी, उसके बाद तूने अपने काम से हमें इतना इम्प्रेस किया, हमने इसको एज अ मेकअप मेंटोर हायर किया, हाउ डू यू फील? I feel blessed and grateful and thankful to you कि आपने मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स में से मेरे को चुना, क्योंकि हर बैच में 40 स्टूडेंट्स होते हैं और 40 में से एक सिलेक्ट करना, वो भी एज अ परमानेंट मेंटोर, ऑब्वियसली मुश्किल होता है, तो आई एम सो ग्रेटफुल। और कभी ऐसा लगा किसी भी बैच में जब पढ़ती थी तब और जब पढ़ाती तब कि हम में कोई फ़र्क है, कि हमारी टीचर जब टीचर होती है तब अलग होती है और जब हम बच्चे होते तो हम अलग होती है, ट्रीटमेंट अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं? शीना मैम बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो एज अ स्टूडेंट जैसे है, एज अ टीचर जैसे हैं स्टूडेंट के साथ, वो ऐसे ही एज अ बॉस है, और मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। जैसे और मेकअप आर्टिस्ट में मैंने देखा है कि वो बन ठंड के जो आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शीना मैम सो सिंपल, बहुत अच्छी। और आपको लग रहा होगा ये हमने रटवाया है इसको, लेकिन हम लोग को 1 साल हो जाएगा अभी कुछ टाइम में, और ये बच्ची रोज़ मेरे साथ रहती है, ये मेरी निधि मेंटोर है, निशु मेंटोर है। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है जब मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ स्टेज पे कि हमारे बच्चे हैं, और एज अ बच्चा इनको भी बहुत कुछ महसूस होता होगा कि यार, हाँ वो भी प्राउड फीलिंग ही होती है कि हम एज अ स्टूडेंट थे और अब एज अ टीचर आ रहे हैं, वो भी मैम के अंडर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लड़की इंट्रोवर्ट थी, बताया आपको, शी वॉज सच अ इंट्रोवर्ट पर्सन, एंड नाउ शी ये पूरे कलर्स के साथ बाहर आई है। आई एम सुपर सुपर हैप्पी टू हैव यू इन माय टीम। तुमको SKM में पढ़ाते हुए आज काफ़ी टाइम हो चुका है, 6-7 महीने हो चुके हैं, तुम्हारा SKM में एज अ मेंटोर क्या एक्सपीरियंस रहा, कि वो चीज़ जो हम बच्चों को देते हैं और आपको बेस्ट लगती है? मैम पहली बात तो ये कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और जैसे ऑन द स्क्रीन आप जो भी दिखाते हो रियलिटी उससे भी अच्छी है,
मतलब आप अगर एक बात अगर ऑन द स्क्रीन के है रहे हो ना तो उससे 10 चीज आप एक्स्ट्रा सिखाते हो। पहले में शोशाबाजी कम है, हाँ। हम सर्व ज्यादा करते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा ये बताओ कि जो बेस्ट चीज एज अ स्टूडेंट तुम्हें मिली है वो क्या चीज़ तुम्हें लगता है कि ये चीज़ हमें एज अ स्टूडेंट काफ़ी अच्छी मिलती है और आज आप वो चीज़ हमारे बच्चों को दे रही हो? मैम आपसे तो सबसे पहले यही सीखने को मिला है कि हमेशा ट्रू रहो, जेन्युइन रहो, जो हम बोल रहे हैं वही हमें करके दिखाना है। और जैसे आप बोलते हो कि आप हाथ पकड़ के सिखाते हो, रियलिटी में आप हाथ पकड़ के ही सिखाते हो। आप हर एक बच्चों पे इतना ध्यान देते हो कि कोई एक बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो लोनली फील करे कि मैं घर से दूर आया हूँ, मैम मेरे पे ध्यान नहीं दे रही। कोई एक बच्चा, सिंगल बच्चा एक रिव्यू नहीं दे सकता कि मैम ने हमें सिखाया नहीं है। ये वैसे बनारस की है तो ये हमारे पास पहले सीखने आई थी, उसके बाद अब ये हमारे यहाँ पे मेंटोरशिप में है। निधि जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी कि इंसान जैसे मैं हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफ कैमरा, कभी हम लंच पे डिस्कस करते हैं, कभी मैंने अपने मुंह से ये बोला कि मीनाक्षी मैम तो इतनी बुरी हैं फलाना ढिमकान, जब तक वो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई तब तक आई वाज ऑलवेज शांत। हाँ मैम ये है कि आपको आपके काम से मतलब है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट ये है कि लोगों का काम है पोक करना, तो उन्होंने आपको पोक किया तो जाहिर सी बात है इंसान कितना सहेगा। ये बागी बच्चे आप समझ सकते हैं मेरे बच्चों को इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो मैं तो फिर भी पता है शांत रहने वाले में से हूँ कि चलो दफ़ा करो, लेकिन जब आपके टीचर्स को जिस टीचर ने आपको कुछ दिया है अगर वो बच्चा सुनेगा ना, पर टीचर की बेइज्जती होते हुए वो भी बिना सर पैर की बेइज्जती, उसका खून खोलेगा ही खोलेगा। वही बात है मैम, आपके बोलने से पहले हम 10 बात उसको सुना देंगे। हाँ नहीं बस अच्छे बच्चे बनते हैं। सो मैंने आज एक बहुत ही बेहतरीन शो देखा, समीप वेद शो, जहाँ पे आई वॉज डिस्कस्ड एंड दैट वॉज डिस्कस्टिंग, क्योंकि मैम ने बोला कि शी इज नॉट वर्थ माय टाइम, आई डोंट हैव दैट्स वेलापन, बट दैट वेलापन लिटरली टुक 10-15 मिनट्स ऑफ दैट शो, एंड सब कुछ ठीक था। लाइक अभी मैं बोलूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा, अभी गटर खुलेगा तो बदबू ही मारेगा, मेरे लिए तो सेम ही बात थी कि गटर खुलेगा बदबू मारेगा। कुछ बातें वहां पे बोली गई कि शीना बहुत बड़ी लायर है, झूठी है, ये है वो है। अगर शीना झूठी होती तो शीना आपको कभी एक्सपोज करती ही नहीं, और ना मैंने कभी किया, मैंने कभी भी एक्सपोज नहीं करा, किसी देवी मुआ का सहारा नहीं लिया, और कभी मैंने शिकवा शिकायत भी नहीं। इवन आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, जब भी इनके साथ कुछ हादसे हुए, चाहे कीवी पूरी हुई तब, चाहे नाना जी पूरे हुए तब, मैंने हमेशा मैसेज किया है उनकी बेटी को भी, नॉट बिकेज कि ओ माई गॉड मेरे को दुश्मनी है इनसे, एक नॉर्मल इंसान, आई लाइक हर डॉटर लॉट, मुझे मेकअप उनके पसंद है, मैंने पर्सनली मैसेज भी किए हैं, नॉट टू गेट दैट फेम कि ओ मेरा स्क्रीनशॉट लगाएगी तो मैं फेमस हो जाऊंगी, नेवर, मतलब आई डोंट नीड सम स्टैंड कि मैं फेमस हो जाऊं, आई एम ऑलरेडी फेमस, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हाउ आई लुक, इट्स बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन विद मी। नंबर टू, अगर मैं झूठी हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है तो किस बात के लिए, इसलिए कि मीनाक्षी दत्त के पास मत जो शीना कौर के पास आओ। अगर आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला है कि मैंने ये बोला है कि पास मत जाओ मेरे पास आओ, प्रूव दैट राइट अवे। आपके पास मेरी 10 पिक्चर्स हैं जहां पे मैं आपकी अकेडमी में पढ़ रही हूँ, उन 10 पिक्चर्स में से भी आप एक में क्यों नहीं है? सिर्फ एक एकेडमी का वीडियो, एक फोटो में मैं और आप हैं, क्योंकि आपने एक ही डेमो दिया था वो भी शिवालिक ब्रांच में, जबकि मेरा तो एडमिशन पंजाबी बाग में होता, फिर मैं शिवालिक ब्रांच कैसे पहुंच गई? दूसरी बात अबाउट पॉलिटिक्स, तुम्हारे खुद के स्टाफ मेंबर्स फ्लर्ट कर रहे हैं, उनका चक्कर चल रहा है, और वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट दे आर मैरिड, ठीक है, उनका चक्कर चल रहा है, खोपचे में घुस घुस के किसियां कर रहे हैं, वो हमें के दिख नहीं रहा था, उस पॉलिटिक्स का मुझे क्या लेना देना, ना मेरे को उस लड़के पे दिलाया ना उस लड़की पे दिलाया, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, एंड देयर हैप्पीली मैरिड, आई डोंट वांट टू इवन मेंशन देयर नेम्स। नंबर थ्री, पॉलिटिक्स, मैं एक 19 साल की बच्ची जिसने मेकअप इंडस्ट्री में अभी कदम भी नहीं रखा है, वो क्या पॉलिटिक्स कर लेगी? अगर जब तक मुझे किसी अकेडमी में किसी एंटिटी का स्टाफ आके खुले में नहीं बताएगा आपके बारे में, हमें क्या पता चल जाएगा? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन आई विल ट्राई, आई विल रिस्पेक्ट यू कि आप मुझे हेल्प कर सको। सी वे थैंक यू, वी अप्रिशिएट, थैंक यू, इसके अलावा आपने मुझे क्या बता दिया? हाँ मैंने आपसे पूछा था कोर्स खत्म होने के बाद कि हाउ व्हाट इज ऑरेंज कलर करेक्टर, आपने मुझे बोला वी कांट टीच यू ऑन व्हाट्सएप, और आप गुस्सा नहीं करते हो, आप जलील करते हो, मुझे याद है क्योंकि मैं जलील हुई थी,
अभी मैं इतनी वो नहीं हूँ ना कि रिकॉर्डिंग हो मेरे पास फलान ढिमका, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स है तो प्रूफ कर दो, क्योंकि आपके पास भी नहीं होगी, काफी साल हो चुके हैं। मीनाक्षी मैम, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं, अगर मैं आपके खुलासे करने आ गई तो जो मेरे आपने मेरे को दिया है सिर्फ 21 दिन में से 2 दिन, लेकिन मैं वहां पे 21 के 21 दिन रही हूं। मैंने वह सब कुछ देखा है कि चाय पीने के लिए भी ऐसे मुंह बनाती थी आपकी स्टाफ की, चाय देनी पड़ेगी, इट्स नॉट अलाउड, आप बाहर से पी के आ सकते हो। आपके स्टाफ की रियलिटी आपको भी पता है और हमें, और मुझे तो स्टाफ से कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टाफ वो करता है जो उसका ऑनर उसको इंस्ट्रक्ट करता है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक इस पे इल्जाम लगाया गया कि मैं अपने स्टूडेंट्स आपके नाम पे भरती हूँ अगर मैंने आपका मेकअप दिखा दिया ना तो जो बच्चे कुछ 10-15 बच्चे आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। आप जब तब पढ़ा रही थी यू हैड 4 स्टूडेंट्स ओनली, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने भी 5 बच्चों से शुरू किया था और 50 बच्चे पढ़ाती हूँ मैं भी, और उनमें से अगर एक भी बोल दे कि मैंने ये बोला हो कि मैंने तो मीनाक्षी जैसे सीखा है, आओ मुझसे सीखो, तो मैं अपनी डिग्रियां, अपना काम, अपनी पूरी पढ़ाई ढेले में कर दूंगी। और जहां तक रही बात ओह मैं तो जनरेशन से टक्कर लेती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे तो आपके जितना कमाना ही नहीं है ना, मुझे आपके जितना आगे बढ़ना है, मुझे तो रिटायरमेंट चाहिए बहुत अच्छे, मैं जब सेटिस्फाई हो जाऊंगी मैं रिटायरमेंट ले लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टाइमली आप रिटायर नहीं होते तो आप सटिया जाते हो, बच्चे कुछ इज्जत की आप नीलामी कर देते हो अपने आप ही। मैं आई एम नॉट समवन हु इज इनटू वॉचिंग पीपल टॉकिंग टू मच, आई बिकॉज आई टॉक अ लॉट, लेकिन वो शो इतना निहायत ही बकवास था कि आप उसके अंदर बोल सकते हो इट्स नॉट वर्थ माई टाइम टॉपिक, बट आप उसको 15 मिनट दे रहे हो, यू कुड इजिली जस्ट पास द क्वेश्चन, आप बोलते नॉट कम्फर्टेबल लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन नहीं, आप अपनी देह और नूह के बगल में बिठा के उनको आप ऐसी लड़की को जलील करने की कोशिश कर रहे हो जो खुद किसी की नूह भी है, किसी की देह भी है, और वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है। सच शेमफुल एंड डेस्परेट, ये डेस्परेशन का एक्शन था आपका जो आपने पूरे शो में किया मेरे नाम पे। और शीना कौर को ना, शीना कौर होना ही सफिशियंट है, मैंने कभी अपने बायो में मेंशन नहीं किया आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दादर एकेडमी, बिकॉज हु नोज, आपका मेकअप मेरे मेकअप में जमीन आसमान का फर्क है, आप चाहे टोरंटो चले जाएं, आप चाहे दिल्ली चले जाएं, मैंने बच्चों के दिल जीते हैं। मेरे बच्चे आके मुझे ये बोल सकते हैं बिल्कुल कि मैम आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया, ये नहीं बोलेंगे कि आप तो मैडम आए ही नहीं थे, आप तो मैडम थे ही नहीं, I have the pictures. उन 10 के 10 फोटोज के अंदर, वीडियोज के अंदर, where are you? एक दीपिका नाम की मॉडल बिठा के आपने मेकअप कर दिया, ना उसमें टीवी है ना उसमें माइक है, क्योंकि होगा कैसे, आपने तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करा अपनी अकेडमी में, आपको लगा कि मैं तो मैं ही मैं हूँ, और आज पूरे शो में इट्स जस्ट मी हु इज कृति डीएस, हु इज दिस, हु इज दैट, हु इज दैट, हु टॉक्स लाइक दैट, भौंकना, भौंकना इज द शब्द दैट यू हैव यूज लिटरली, आई मस्ट से यू आर नॉट अ डॉग लवर, आपकी भाषा इतनी छपरी भाषा है कि मैं तो अभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और आपने अपनी सारी मर्यादाएं पार कर दी। नाउ यू मस्ट वेट एंड वॉच कि शीना कौर को अगर एक्सपोज ही करना है किसी को तो वो कैसे करती है। आई डोंट हैव टाइम फॉर लंबे लंबे जाके मैं वीडियोस देखूं, बिकॉज अब थी नहीं, मैं रिकॉर्ड क्या करती, यू वर नेवर देयर, यू वर देयर फॉर योर ब्राइड्स ओनली, जहां से आपको पर डे पैसा आ रहा है वो करती थी, यू हैव नेवर टॉट एनी स्टूडेंट, आपका स्टाफ सिखाता था, स्वीपर पहले 2 घंटे पहले झाड़ू पोछा कर रहा है, फिर मुझे हेयर सिखा रहा है 2 बजे, देयर वाज सम गाय नेम आई डोंट नो हु वाज, छोटा हाइट का, आई हैव नो आइडिया व्हाट नेम वाज, बट ही टॉट मी, चाहे वो कुछ भी सिखा दे, एक स्वीपर से तो मैं डिजर्व नहीं करती सीखना, आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आप थे ही नहीं, आपकी रिसेप्शनिस्ट गल्ले पे कैश गिन रही है, मैं आ रही मैं बताती हूँ आपको, दिस इज नॉट हाउ अ स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड, यू वर रॉन्ग अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो आप मत करो, इफ आई एम अ लायर देन यू आर द रीजन। पंजाबी पाक और पश्चिम यार दूर नहीं ज्यादा, मैं आपको बोलती हूँ, आज तक मैंने किसी बच्चों को नहीं बोला, आज बोलती हूँ बच्चों अपना पैसा ढंग की जगह लगाना है तो MDM भूल के भी मत जाना, आज मैं ओपनली बोलती हूँ, अगर आपको उससे 10 गुना अच्छा कोर्स कम से कम दाम में सीखना है, शीना कौर इज हियर फॉर यू, आई विल बी देयर, आई विल टीच यू अपना हाथ पकड़ के, आई एम नॉट अ लायर मैम, आई एम नॉट अ लायर, अपना बच्चा कोई भी पैसा लगा के झूठ नहीं बोलेगा, मैंने तो आज तक आपके नाम की खाई भी नहीं, लेकिन आपके हर पोस्टर में, हर वेबसाइट में विदाउट माई कंसेंट आपने पोस्ट किया है मेरे बारे में, हैव आई एवर सेड एनीथिंग टू यू, नो, बिकॉज अगर मेरे चेहरे से आपको 5 बच्चे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपके घर पर रोटी आनी चाहिए, इफ इट इज, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर नॉट टेकिंग स्टैंड बहुत पहले, अगर मैं पहले बोली और मुझे बोलना भी नहीं था, फॉर गॉड्स सेक, इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नथिंग,
तुम किसी के उड़ते तीर को अपने में ले रहे हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है भाई। और अबाउट माई लैंग्वेज, अबाउट हाउ आई स्पीक, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने पैर में जुत्ती मजबूत बना के भेजी है ना कि मुझे कांटे नहीं चुभेंगे। आप अपने पैर देख लीजिए पहले। और शीना ना वो फायर है ना जो सब जला के राख कर सकती है। और मुझे किसी भी एकेडमी के सर्टिफिकेशन की नीड नहीं, बिकॉज आई एम, मेरा खुद का ब्रांड है जो बच्चों के प्यार से सींचा हुआ है। मेरा बच्चा उठ के ये बोल सकता है कि मैम आपके पढ़ाई में समझ नहीं आया? ये नहीं बोलेगा दैट यू वरंट देयर, आपकी तरह। सो गुड लक टू यू एंड योर सो कॉल्ड गुडनेस, कोटेशंस, वन लाइनर। थैंक यू।